शाखा की इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर हो सकती है। जयपुर में श्रीराम समूह पर छापा मारा गया। समूह प्रमुख रूप से प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। बेनामी एक्ट प्रभावी होने से पहले भी इस समूह पर आयकर विभाग कार्रवाई कर चुका है। विभाग को इस बार भी बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले हैं। विभाग की टीमें दफ्तर और आवास पर मौजूद हैं। श्रीराम समूह के पोस्ट यहां पर प्रमोटर्स अग्रवाल बंधुओं से टीम पूछताछ भी कर रही है। बिल्डर समूह के बैंक खाते और लॉकर्स भी टीम खंगाल सकती है। नए वित्त वर्ष में आयकर विभाग फुल एक्शन में है। आयकर विभाग ने आज बड़े कारोबारी समूह पर छापा मारा है। बालाजी ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग की 24 टीमों ने कार्रवाई की है। 13 प्रमाइसेस जयपुर में कवर किए गए हैं, वहीं 11 प्रमाइसेस सवाई माधोपुर में कवर किए गए हैं। अलग अलग कारोबारी समूह पर यह कार्रवाई काले धन के लेनदेन से जुड़ी हुई है, साथ ही बेनामी संपत्ति का भी बड़ा खुलासा हो सकता है। विभागीय टीमें लोकेशन पर पहुंच चुकी हैं और जांच जारी है। बड़ी संख्या में आवास पर दस्तावेज मिले हैं और समूह प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर रहा है जो जयपुर में है। जयपुर में अलग अलग लोकेशन, इनके कार्यालय, दफ्तर और इनके आवास पर भी आयकर विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। पूरी कार्रवाई में 200 आयकर कर्मी शामिल हैं, साथ ही 100 पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन साथ में लिया गया है। तो आयकर विभाग का बड़ा एक्शन जारी है और इस एक्शन में न केवल कर चोरी के मामले उजागर होंगे, साथ ही बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति भी उजागर हो सकती है। खैर, आयकर विभाग अपने तय लक्ष्य के करीब चल रहा है, क्योंकि इस वर्ष आयकर विभाग ने 22,000 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। लेकिन फिलहाल अब तक की हालत यह है कि विभाग के खाते में तय लक्ष्य के मुकाबले सीमित राशि आई है। तो ऐसे आयकर छापे ग्रुपों पर जारी रहेंगे जो कर चोरी से जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।